Now the practical based on value of supply. How to find out the value of supply? कैसे आपको कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ सप्लाई, दैट इज वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई. उसके लिए थियरी लेक्चर, हमने लास्ट लेक्चर में पूरा थियरी देखा, क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है, एवरीथिंग. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल. सो आ जाओ. सो प्रैक्टिकल में क्वेश्चन आपके सामने है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा. चलो क्या दिया क्वेश्चन में. एक्सन ट्रेडर्स एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर ज़ोलो. व्हाट बेटा? विद मिस्टर ज़ोलो फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स. फॉर व्हाट? सप्लाई ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज 3 लाख. अमाउंट ऑफ गुड्स इज व्हाट बेटा? वर्थ रुपीज 3 लाख. ठीक है, तो याद रखना सप्लाई. क्या बोल रहा है? एक्सॉन ट्रेडर्स एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर ज़ोलो फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज 3 लाख. ओके, नाउ इट वॉज अग्रीड दैट एनी एडिशनल एक्सपेंसेस इनकर्ड to complete the sale will also be included in the contract value. और वो agreement, देखो वो agreement हुआ, it was agreed that any additional expense, कोई भी अगर additional expense होगा incurred to complete what? The sale. Incurred to complete what beta? The sale will also be included, will also be included in the contract value. Okay? Mr. Zolo following expenses to complete the sales. मतलब मिस्टर ज़ोलोस फॉलोइंग एक्सपेंसेस टू कंप्लीट द सेल इज व्हाट? मिस्टर ज़ोलो रिसीव्ड सब्सिडी ऑफ रुपीस 30,000. क्या बेटा? मिस्टर ज़ोलो रिसीव्ड सब्सिडी ऑफ रुपीस 30,000 फ्रॉम भरत मैन्युफैक्चरर्स, फ्रॉम भरत मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन. मतलब भरत देखो, मिस्टर ज़ोलो रिसीव सब्सिडी ऑफ रुपीस 30,000 फ्रॉम भरत मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन पर ट्रांजेक्शन मिला. ठीक है, तो स्टार्टिंग में ही दिया आपको, एक्सॉन ट्रेडर्स एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर ज़ोलो फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, बराबर है, वर्थ रुपीज 3 लाख. और एग्रीड हुआ कि इट वाज एग्रीड दैट एनी एडिशनल, व्हाट बेटा? एनी एडिशनल एक्सपेंसेस इनकर्ड टू कंप्लीट द सेल विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू. एंड मिस्टर ज़ोलो फॉलोइंग एक्सपेंसेस टू कंप्लीट द सेल आपको दिया है. मिस्टर ज़ोलो रिसीव सब्सिडी ऑफ 30,000 फ्रॉम हुम? भरत मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन. ठीक है, पर ट्रांजेक्शन. अब क्या बोल रहा बेटा? अब आपके पास क्या क्या एक्सपेंसेस है देखो. एक्सपेंसेस में इंस्पेक्शन है 950, फ्रेट है 15,000, टेस्टिंग चार्जेस है, बराबर है, कितना? 6250. इंश्योरेंस चार्जेस है 5,000, लोडिंग चार्जेस है 3540 और पैकेजिंग चार्जेस है 8,000. ठीक है, अब देखो पहला क्या है, इंस्पेक्शन. बेटा आपको पता है इंस्पेक्शन हो, टेस्टिंग हो, इंश्योरेंस हो, लोडिंग हो या पैकेजिंग, सारे एक्सपेंसेस जितने भी है, चार्जेस है, सब आपको वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई निकालते टाइम पे प्लस हो जाएंगे, क्योंकि थ्योरी में पता है मैंने, जितने भी एक्सपेंसेस है, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, ऑल विल बी एडेड. ठीक है, तो ये सब वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कैलकुलेट करते टाइम पे क्या हो जाएगा बेटा? सिंपल सा फंडा है, क्या हो जाएगा? एड हो जाएगा. क्या? एड. और देखो सब्सिडी के बारे में भी बोला था मैंने, सब्सिडी, सब्सिडी भी ऐड होगा, बट कौन सा सब्सिडी ऐड नहीं होगा? जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से मिला है वो. तो फिलहाल ये कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट तो है नहीं, भारत मैन्युफैक्चरर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट तो है नहीं, तो इसका सब्सिडी भी क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई में ऐड हो जाएगा. क्या हो जाएगा? ऐड. सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एज पर द प्रोविजन ऑफ व्हाट? सेक्शन 15 ऑफ CGST एक्ट. अब अपने को वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई निकालना है, तो ये आपका क्वेश्चन है, तो लेट्स डू इट. ठीक है, कैलसी निकाल लेना, अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे इसको. सो लेट्स रेडी. सो क्या बच्चा, फॉर सॉल्विंग द सम डायरेक्टली सॉल्यूशन, कंप्यूटेशन किसका कर रहे हम लोग? कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, राइट? नंबर पर्टिकुलर रुपीस. सो कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई आप निकाल रहे हो, तो सबसे फर्स्ट क्या आ जाएगा बेटा? द वेरी फर्स्ट वन, पहले तो आपको प्राइस ऑफ गुड्स दिया है, ये देखो सी. सो बेसिक प्राइस कितना दिया अपने को? एक्सॉन ट्रेडर्स एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर ज़ोलो फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज 3 लाख. मतलब बेसिक प्राइस ऑफ गुड्स इज व्हाट? रुपीज 3 लाख. ठीक है,
How much it is? 3 lakhs. राइट right? अब बेटा और क्या क्या है आप देख सकते हो, जितने भी एक्सपेंसेस है सब डेटा दिया है अपने को, ठीक है. मिस्टर जोलो फॉलोइंग एक्सपेंसेस टू कंप्लीट द सेल, मिस्टर जोलो रिसीव सब्सिडी फ्रॉम भरत मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है. तो सारे एक्सपेंसेस अपने को दिए और जितने भी है, इंस्पेक्शन हो, फ्रेट हो, टेस्टिंग चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस, लोडिंग चार्जेस, पैकेजिंग चार्जेस, ऑल विल बी इंक्लूडेड. बराबर है, ऑल विल बी इंक्लूडेड इन बेसिक प्राइस ऑफ गुड्स, मतलब वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई निकालने के लिए सबको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है. सब ऐड होगा और सब्सिडी भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये सब्सिडी कोई सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से नहीं मिला, ठीक है. तो हाँ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से मिला होता तो नहीं ऐड होता, बट ये सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है ना, तो ये सब्सिडी भी आपका वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई निकलते टाइम पे ऐड अप हो जाएगा. गॉट इट? नाउ सब लाइन बाय लाइन ऐड करते जाओ. पहला इंस्पेक्शन, सेकेंड अपना क्या ऐड करना है, फ्रेट है, हाउ मच, 15,000, राइट. देन क्या अपना टेस्टिंग चार्जेस, टेस्टिंग चार्जेस हाउ मच, 6,250. आफ्टर दैट इंश्योरेंस चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस कितना बेटा, 5,000, यस. देन व्हाट आफ्टर इंश्योरेंस, लोडिंग चार्जेस, लोडिंग चार्जेस कितना बेटा, 3,540. आफ्टर दैट पैकेजिंग चार्जेस इज गिवन, पैकेजिंग चार्जेस हाउ मच, 8,000, ठीक है. और आपको पता है कि भाई क्या बोला मैंने, सब्सिडी भी ऐड हो जाएगा. व्हाट इट? सब्सिडी, याद रखना, कोई सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से रिसीव नहीं हुआ है ये सब्सिडी, समझा कि नहीं. ये सब्सिडी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से रिसीव नहीं हुआ है, तो इसे सब्सिडी विल ऑल्सो बी एडेड. तो याद रखना, सब्सिडी जो आपका सब्सिडी है, इसको अलग कलर में दिखा देता हूँ. सो सब्सिडी क्या बड़ा, सब्सिडी फ्रॉम, यहां दिया ना, देखो सब्सिडी, देखो इधर क्वेश्चन में दिया है बेटा, सी, रिसीव सब्सिडी ऑफ ₹30,000 फ्रॉम द भारत मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, ठीक है. सो सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम व्हाट, भारत बोलो, भारत बोलो, भारत मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, मैन्युफैक्चरर्स व्हाट एसोसिएशन, ठीक है. सब्सिडी रिसीव फ्रॉम भारत मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, ठीक है. मालूम पड़ा कितना, 30,000. ये भी ऐड हो जाएगा, बिकॉज कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से सब्सिडी नहीं मिला है. सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से मिला होता तो ऐड नहीं होता, बस याद रखना. तो निकाल लो ना डायरेक्टली, कितना हो जाएगा फिर, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई विल बी व्हाट, आ जा सब ऐड कर लो. सो व्हाट विल बी योर वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, वैल्यू कितना हो गया सप्लाई, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, आ रहा है टोटल मारो कितना, 3,68,740. ओके, सो दिस इज व्हाट योर वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है. अब ये जो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई आ गया, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, जीएसटी चार्ज होगा, दैट्स इट. तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई पता तो रहना चाहिए आपको, है कि नहीं. तो आपको मालूम पड़ गया,
दैट्स इट, बराबर है। हाँ, और नोट दिखा देना, नोट एक नोट दिखा देना इधर, ये सब हो गया ना, आ जाओ नोट दिखा दो। नोट नंबर वन, क्या नोट दिखाओगे? सब्सिडी जो है बेटा, सब्सिडी रिसीव्ड, व्हाट सब्सिडी रिसीव्ड ओनली फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज, ओनली फ्रॉम व्हाट बेटा, नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज इज एडेड। और बेटा जो भारत मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन है, बराबर है, वो कोई गवर्नमेंट एंटिटी तो है नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट तो है नहीं, तो वो नॉन गवर्नमेंट हो गया, तो नॉन गवर्नमेंट का सब्सिडी विल बी एडेड फॉर कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, याद रखना। सो एडेड टू द व्हाट, बराबर है, क्या सब्सिडी रिसीव्ड ओनली फ्रॉम द नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज इज एडेड टू द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई, बराबर है, मालूम पड़ गया, डू इट। ठीक है, चलो राइट। और अपना नोट नंबर टू भी चाहिए तो दिखा देना, ऑप्शनल बट दिखा दोगे तो अच्छी बात है। क्या जो आपने सारे एक्सपेंसेस ऐड किए ना बेटा, ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द सप्लायर, ऑल द एक्सपेंसेस जो आपने एक्सपेंसेस है ना, इंस्पेक्शन, फ्रेट, टेस्टिंग चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस, लोडिंग, पैकेजिंग, ऑल दिस, सो ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द सप्लायर, इनकर्ड बाय द सप्लायर on or before supply of goods are included, right, in the value of supply. That's it, बस हो गया, डन। ठीक है, तो आपने अपना वैल्यू ऑफ सप्लाई भी निकाल लिया, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कितना हो गया, इसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा फिर, ठीक है, और नोट दिखा दिया, कंप्लीटेड। ठीक है, पटेट पक्का, चलो आ जाओ अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है बेटा, मिस्टर भूषण, ये भी 8 मार्क्स का है, एग्जाम में 8 मार्क्स का आया बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 2A करके आया था एग्जाम में, मिस्टर भूषण परचेज गुड्स वर्थ ₹2,03,00,000, मिस्टर भूषण परचेज गुड्स वर्थ ₹2,03,00,000 विच इंक्लूडेड द अमाउंट ऑफ जीएसटी एट द रेट ऑफ 18%, बराबर है, विच इंक्लूडेड अमाउंट ऑफ जीएसटी इज व्हाट, 18%। अब देखो ये जो 2,03,00,000 है उसमें जीएसटी का अमाउंट इंक्लूडेड है, याद रखना इंक्लूडेड, तो भाई जीएसटी अमाउंट, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई निकाल रहे हो तो जीएसटी अमाउंट नहीं आना चाहिए, पढ़ा है ना, टैक्सेस अदर देन जीएसटी, याद है ना, थियरी में पढ़ा है ना आपने, ठीक है, तो वो जीएसटी को अपने को सेपरेट करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, तो करेंगे। फिर फ्रेट पता ही आपको प्लस हो जाएगा, टेस्टिंग चार्जेस यू नो दैट एडेड, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई निकलते टाइम पे एड, लोडिंग चार्जेस एड, इंश्योरेंस एड, पैकेजिंग, इंस्पेक्शन, ये सब तो पीछे भी देखा, जस्ट अभी अब लास्ट सम में देखा। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, ठीक है, तो मिस्टर भूषण परचेज गुड्स वर्थ ₹2,03,00,000 विच इंक्लूडेड अमाउंट ऑफ जीएसटी भी उसमें इंक्लूड है, ठीक है, राइट। तो आ जाओ अब अपने को उसके हिसाब से कंप्यूट करना है, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई निकालना है, ये क्वेश्चन है अपना, तो आ जाओ सबसे पहले फॉर्मेट बना देते हैं हम लोग, सेम फॉर्मेट जो आपने किया था इधर,
चलो सॉल्यूशन क्या, कंप्यूटेशन ऑफ व्हाट, कंप्यूटेशन ऑफ व्हाट, वैल्यू ऑफ व्हाट, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। चलो फॉर्मेट रेडी कर देता हूं मैं, सिंपल। अमाउंट, नंबर पर्टिकुलर, सिंपल फॉर्मेट, ठीक है। चलो तो नंबर पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट इन रुपीस, ओके, गॉट इट बेटा। चलो सबसे पहले द वेरी फर्स्ट वन क्या करना है अपने को, जो प्राइस ऑफ गुड्स है, प्राइस ऑफ गुड्स ले लो कितना है, जो बेसिक प्राइस ऑफ गुड्स है, प्राइस ऑफ गुड्स, बड़ी याद रखना ये प्राइस ऑफ गुड्स में क्या है बेटा, जीएसटी इंक्लूड है, इसमें जीएसटी इंक्लूड है तो अपने को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है, मालूम पड़ा कि नहीं, तो इधर रहने दो, यहां कैलकुलेशन में दिखा देता हूं कितना, अभी ये 2 लाख कितना है बेटा, 300, ये क्या है बेटा आपका इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, इंक्लूसिव, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, बट जीएसटी नहीं आना चाहिए ना बेटा, टैक्सेस अदर देन जीएसटी बराबर है वो इंक्लूड हो सकता है, बट जीएसटी इसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करोगे अभी इसको जीएसटी को हटाने के लिए, मतलब विदाउट जीएसटी कितना प्राइस होगा, 2,300,000 है इनटू, याद रखना कितना परसेंट था, अभी आपको इधर निकलना है विदाउट जीएसटी का प्राइस, ये जीएसटी इसमें इंक्लूड है, 2,300,000 में जीएसटी इंक्लूड है, इसका मतलब ये कितना परसेंट होगा, जीएसटी कितना था, 18%, इसका मतलब क्या हुआ, देखो इधर मैं कैलकुलेशन दिखाता हूं आपको, इफ 2,300,000 इज व्हाट, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मतलब क्या, 100 प्लस 18 मतलब 118% है, कितना बेटा, अगर ये अमाउंट में जीएसटी इंक्लूड है मतलब क्या, 118% हो गया ना, नॉर्मल अमाउंट मतलब 100%, जीएसटी इंक्लूड है मतलब 18% इंक्लूड है, 18% और है, तो ये कितना परसेंट हो गया, 118%, 118%, तो बेटा 100% अमाउंट कितना होगा, उसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल है कि नहीं, मालूम पड़ा, ठीक है। आपको ये कैलकुलेशन का पार्ट दिखाना है तो दिखा देना एज अ वर्किंग्स करके, ठीक है, कि 2,300,000 अगर 118% है तो 100% कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना क्रॉस मल्टीप्लाई, ये देखो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, एलसी लो, 2,300,000 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइड बाय 118, बस तो आ जाओ कितना आ रहा है, 100% अमाउंट विल बी व्हाट, 1,69,746, शाबाश बेटा, वेरी गुड, 169,746, बाकी लोग भी चेक कर लेना, इतना ही है ना, ठीक है। तो बस वही चीज तो कर रहे थे हम लोग इधर, 2,300,000 इंटू, देखो यही सेम फंडा, इंटू 100 डिवाइड बाय 118, सिंपल सा फंड है बेटा, सिंपल सा कैलकुलेशन है, 2,300,000 अगर 118% है तो 100% कितना, 2,300,000 इंटू 100% आपको फाइंड आउट करना है, 100% अमाउंट क्या होगा डिवाइड बाय ये अमाउंट कितना परसेंट है, 118, तो डिवाइड बाय 118 तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलो करो, 2,300,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 118 कितना आ रहा है आंसर, 1,69,746, वेरी गुड। अब इसमें क्या करना है आपको, एड आ जाओ,
ऐड करते जाओ. सबसे पहला क्या ऐड करोगे आप? फ्रेट. ठीक है, जो जो दिया आपको क्वेश्चन में, देखो दिख रहा है, फ्रेट, टेस्टिंग चार्जेस, लोडिंग, इंश्योरेंस, पैकेजिंग, इंस्पेक्शन, सब तो दिया ही है. प्लस करते जाओ. और देखो आपको सब्सिडी का कुछ इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐड अप करते जाओ सब. तो पहला फ्रेट, चलो कितना है फ्रेट, 10,000. सेकेंड टेस्टिंग चार्जेस, हाउ मच, 6,500. देन टेस्टिंग चार्जेस के बाद क्या है, लोडिंग चार्जेस, चलो लोडिंग चार्जेस कितना है, 1,100. आफ्टर दैट इंश्योरेंस चार्जेस है, इंश्योरेंस चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस कितना बेटा, 1,500. यस. फिर पैकेजिंग चार्जेस है, चलो पैकेजिंग कितना है, यस 20,000. ठीक है, फिर इंस्पेक्शन, अच्छा इंस्पेक्शन कितना बेटा, इंस्पेक्शन 1,000. बराबर है, हो गया, बस यही सब ऐड करना है. चलो निकाल लो फिर, सब ऐड करो और वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई निकाल लो अपना. सेकेंड वन, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई. ठीक है, राइट बेटा, चलो कितना आ रहा है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, सब ऐड अप कर लो, कितना आ रहा है, 2,09,000. सॉरी, 2,09,846. That's it. यही आएगा अपना, बराबर है, 2,09,000. यस, वेरी गुड सूरज, 2,09,846. दिस इज व्हाट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, खत्म. और नोट आपको एक पता ही था, ये वाला नोट आप दिखा सकते हो, ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय सप्लायर ऑन और बिफोर सप्लाई ऑफ गुड्स आर इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई. ठीक है, ये वाला नोट चाहिए तो दिखा दो इधर. शो कर दो क्या, ऑल द एक्सपेंसेस, व्हाट बेटा, ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड, ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द सप्लायर ऑन और बिफोर. और पता है ना, थ्योरी में पढ़ाया भी है मैंने, अगर सप्लायर ने कोई एक्सपेंस ऐसा बोला रिसिपिएंट को कि भाई मेरे बिहाफ पे तू कर दे, तो वो भी ऐड हो जाता है. ये भी थ्योरी में पढ़ाया था, तो फिलहाल वैसा केस तो इधर है नहीं अभी. बिफोर सप्लाई ऑफ गुड्स, बिफोर सप्लाई ऑफ गुड्स आर क्या, इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, है ना, देखो सेम नोट है. ठीक है, ऑल द एक्सपेंस आर इनकर्ड by the supplier on or before supply of goods are included in the value of supply, or supply of goods are included in the what, the value of supply. That's it, ho gaya, barabar hai, clear, malum pad gaya, pakka, lock kar do. चलो अभी नेक्स्ट, नेक्स्ट सम, चलो अभी नेक्स्ट सम आप करोगे प्रैक्टिस में, कौन सा करते हैं, कौन सा करते हैं,
वाले उद्योग भी अच्छा समय है। ठीक है, ये हम लोग 1040 पे करेंगे, 1040 के बाद रिज्वाइन होना है। अच्छा अभी ये देखते हैं गुरुनाथ, ठीक है, किसका? गुरुनाथ का। आ जाओ तो देख लो, पहले क्वेश्चन देख लेंगे, फिर बाद में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको सॉल्व करते। क्या दिया बेटा? मिसेस गुरुनाथ रजिस्टर्ड सप्लायर प्रोवाइड यू द फॉलोइंग डिटेल्स, प्रोवाइड यू व्हाट बेटा? फॉलोइंग डिटेल्स विद रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, 10 मार्क्स का समझा ये, विद रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड विद मिसेस शिशा एंटरप्राइज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, मिसेस गुरुनाथ रजिस्टर्ड सप्लायर है, प्रोवाइड यू द फॉलोइंग डिटेल्स विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? शिशा मतलब विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड विद मिसेस शिशा एंटरप्राइजेस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। उसमें वैल्यू ऑफ गुड्स इंक्लूसिव ऑफ आईजीएसटी, क्या वैल्यू ऑफ गुड्स इंक्लूसिव ऑफ आईजीएसटी कितना परसेंट? 18% है। कितना है? 188,800। ये तो सेम केस आ गया ना, 188,800 इसमें क्या है? जीएसटी इंक्लूड है, जीएसटी मतलब आईजीएसटी इंक्लूड है। तो 100% कितना होगा? तो इंटू 100 डिवाइड बाय आईजीएसटी कितना था? 18%। इसका मतलब ये 188,800 कितना परसेंट है? 118% है। वही सेम पंडा देखो, 188,800 अगर आपका 118% है तो 100% कितना होगा वो निकाल लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 188,800 इंटू 100 डिवाइड बाय 118, सिंपल याद रखो। फिर टैक्सेस अदर देन जीएसटी, अदर देन जीएसटी वाला तो प्लस होता है, पता है ना, थ्योरी में पता है, अदर देन जीएसटी होगा तो प्लस हो जाएगा टैक्सेस। Now following expenses were incurred by Mrs. Gurunath. ठीक है, क्या क्या expenses incurred किया गुरुनाथ? Yes. So following expenses were incurred by Mrs. Gurunath. ठीक है, तो क्या क्या expenses है बेटा? Insurance charges है 8,000, freight charges है 5,000, designing charges है 6,000, सब add हो जाएगा। Yes. फिर following expenses incurred by, were incurred by Mrs. Shisha Enterprise on behalf of Mrs. Gurunath. अब देखो इधर, इधर शिशा एंटरप्राइज मतलब जो रिसिपिएंट है उसने किसके बिहाफ पे किया? सप्लायर के बिहाफ पे। तो आ गया ना अभी जिसकी बात कर रहे थे हम लोग, अभी सप्लायर ने रिसिपिएंट को बोल दिया भाई तू एक्सपेंसेस कर दे उतना, बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं? तो अगर रिसिपिएंट ने उतना खर्चा किया मतलब सप्लायर के बोलने पे किया ना, तो इसका मतलब अभी अभी कोई रिसिपिएंट अपनी तरफ से तो पैसा डालेगा नहीं, उसका वो वैल्यू ऑफ गुड्स होगा तभी वो डाल रहा है ना पैसा। तो रिसिपिएंट क्या बोलेगा? ठीक है मैं एक्सपेंस कर देता हूँ लेकिन मैं इतना प्राइस आपको बाद में दूंगा नहीं। ठीक है, तो सप्लायर बोलेगा मत देना यार, वैसे भी तू दे रहा है ना सामने वाली पार्टी को, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई तो बढ़ी जा रहा है ना तेरा, सिंपल सा फंड है। ठीक है, तो फॉलोइंग एक्सपेंसेस वेर इनकर्ड बाय मिसेस शिशा एंटरप्राइज ऑन बिहाफ ऑफ मिसेस गुरुनाथ। ठीक है, टेस्टिंग चार्जेस अपना इनकर्ड किया है 3,000 का, बराबर है, कितना 3,000 का क्या बेटा टेस्टिंग चार्जेस है। फिर क्या है और सिंपल सा फंडा बताया मैंने, अगर सप्लायर रिसिपिएंट को बोलता है कि इतना प्राइस मेरे बिहाफ पे कर दे तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में प्लस हो जाता है यार, बराबर है। आप सप्लायर को देने से अच्छा सामने वाली पार्टी को दे रहे हो, आपके लिए तो भाव वही गिरेगा ना, समझा कि नहीं? वही चीज है, तो याद रखने का। तो टेस्टिंग चार्जेस, फिर क्या बोल रहे आपको, एक्सपेंसेस ऑफ ₹3,000 वॉज इनकर्ड ऑन ट्रांसपोर्टेशन बाय मिसेस शिशा एंटरप्राइज। हाँ, अभी देखो 3,000 क्या बेटा वॉज इनकर्ड ऑन ट्रांसपोर्टेशन बाय शिशा एंटरप्राइज नॉट ऑन बिहाफ ऑफ मिसेस गुरुनाथ, तो ये ऐड नहीं होगा क्योंकि ये गुरुनाथ के बिहाफ पे नहीं है, जो सप्लायर के बिहाफ पे किया है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होगा, बट ये नहीं ऐड होगा क्योंकि ये लिखा है इधर नॉट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। ठीक है, सब्सिडी 20,000 का रिसीव किया है किससे? उड़ान एनजीओ लिस्ट प्राइस इज आफ्टर कंसिडरिंग सब्सिडी। तो भाई ये जो सब्सिडी है, ये सब्सिडी क्या होगा, ऐड होगा कि नहीं होगा? ऐड हो जाएगा, कोई सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का थोड़ी है, बराबर है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ सप्लाई और टैक्स भी निकालना है अपने को, जीएसटी भी निकालना है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे, जस्ट रीज्वाइन हो फटाफट सब लोग, ठीक है, मान बड़ा क्योंकि ये अभी खत्म हो जा रहा है, तो उसमें डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करेंगे डायरेक्टली, ये पार्ट टू में अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, तो फटाफट रीज्वाइन करना सब लोग। हाँ ठीक है, ओके चलो, तो ये क्वेश्चन था, याद रखो सप्लायर के बिहाफ पे जो पेमेंट हुआ है वो ऐड होगा, जो नॉट ऑन बिहाफ है वो ऐड नहीं होगा। सो लेट्स एवरीवन रिजॉइन।